नमस्कार दोस्तों मैं सी राजेश कुमार खंडेलवाल इस वीडियो में मैं आपके साथ मेटल स्क्रैप से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उनके संबंध में दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पहला प्रोविजन मेटल स्क्रैप से रिलेटेड ट्रांजैक्शन के ऊपर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी दूसरा प्रोविजन मेटल स्क्रैप ट्रांजेक्शन के रिलेशन में टी प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी इस वक्त नोटिफिकेशन नंबर 6 बाय टू आपके सामने है इस नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है यदि कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप की सप्लाई करता है और वह मेटल स्क्रैप चैप्टर बहत्तर से लेके इक्यासी की कैटेगरी में आता है तो रजिस्टर्ड पर्सन को इनवर्ड सप्लाई पर आरसीएम में जीएसटी पे करना है और यह प्रोविजन इफेक्टिव हो चुका है टेंथ अक्टूबर टू से क्वेश्चन होता है ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है यदि इसकी एग्रीगेट टर्न ओवर गुड्स के केस में, 40 ,00 हो जाती है, तो क्या इसको रजिस्ट्रेशन लेना है इसके लिए हमें जाना होगा सेक्शन 23 सब सबसेक्शन 2 पर जो कि इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है सेक्शन 23 सब सबसेक्शन 2 कहता है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके ऐसे पर्सन की कैटेगरी बता सकती है स्पेसिफाई कर सकती है जिनको रजिस्ट्रेशन से एग्जेप्ट किया जाएगा इस प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेके आई फाइव बाई टू नोटिफिकेशन आया था नाइनटीन जून टू थाउजेंड सेवनटीन को और इस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने यह नोटिफाई किया था कि ऐसे पर्सन जो कि टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई में इन्वॉल्व हैं, और ऐसे गुड्स और सर्विसेज़ पर जो टैक्स पे करना है वो रिसिपियंट ने रिवर्स चार्ज में पे करना है तो ऐसे पर्सन को रजिस्ट्रेशन ऑप्टेन करने से एग्जम्ड किया गया था अब गवर्नमेंट ने इसी नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट किया है और अमेंडमेंट करने के लिए जो नोटिफिकेशन लेके आई है गवर्नमेंट 24 बाय इस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर फाइव बाई टू थान में एक प्रोवाइजो एड कर दिया और प्रोवाइजो एड करके लिख दिया कोई ऐसा नोटिफिकेशन नंबर फाइव बाई टू थाउजेंड सेवेंटीन में कही गई कोई भी बात एप्लीकेबल नहीं होगी कहने का मतलब यह हुआ यदि कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप की सप्लाई करता है जो कि चैप्टर से लेके 81 में आती है तो रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम के तो रजिस्ट्रेशन लेना है उसको एग्जेपन नहीं है मैंने अभी तक आपके साथ जो बात की है वो मेटल स्क्रैप से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उन पर आरसीएम से रिलेटेड एप्लीकेबिलिटी की अब मैं आपके साथ बात करूंगा मेटल स्क्रैप से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उन पर टीडीएस के प्रोविजन भी एप्लीकेबल हो चुके हैं हाँ जी ये टी के प्रोविजन टेंथ अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो चुके हैं टी से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सी जी एस टी एक्ट के सेक्शन फिफ्टी में दिए गए हैं सेक्शन फिफ्टी वन सबसेक्शन वन इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है सेक्शन फिफ्टी वन अंदर गवर्नमेंट कर सकती है चार कैटेगरी बताई इनको के इनको टीडीएस डिडक्ट करना है। पेमेंट के टाइम पर या सप्लायर को जब ये क्रेडिट करें तो टीडीएस डिडक्ट करना है वन परसेंट सीजीएसटी एक्ट में वन परसेंट एस एक्ट में आईजीएसटी होगा तो दो परसेंट होगा अब यहां पर सबसेक्शन वन में जो पहली तीन कैटेगरी है वहां पर स्पेसिफाई किया हुआ है कि वो कौन पर्सन है जिनको टीडीएस डिडक्ट करना है जो कैटेगरी नंबर डी है वहां पर कहा गया है कि गवर्नमेंट कुछ पर्सन को नोटिफाई कर सकती है जिनको की टीडीएस डिडक्ट करना है इन पर्सन को नोटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेके आई 50 बाई इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो सेक्शन 51 वन सबसेक्शन वन में कैटेगरी नंबर डी है उसमें अभी तक तीन कैटेगरी बनाई गई है तीन कैटेगरी में पर्सन को स्पेसिफाई किया गया है अब गवर्नमेंट एक नया नोटिफिकेशन लेके आई है 25 फाइव बाई इस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 50 में जो तीन कैटेगरी थी पर्सन की उसके बाद वहां पर एक नई कैटेगरी इंसर्ट कर दी और ये कैटेगरी डी है इसमें क्या लिखा गया है एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाइज ऑफ मेटल स्क्रैप फॉलोइंगी टू एन इन दी फर्स्ट शेड्यूल टू चैप्टर टैरिफ एक्ट फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन मीनिंग देयर बाई यदि कोई रजिस्टर्ड पर्सन है वो मेटल स्क्रैप की सप्लाई रिसीव करता है अन्य रजिस्टर्ड पर्सन से तो उसको नोटिफाई कर दिया गया है कैटेगरी नंबर डी के अंदर और उस पर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हो चुके हैं अब क्योंकि जो व्यक्ति मेटल स्क्रैप की इनवर्ड सप्लाई ले रहा है उस पर टीडीएस के प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी आ चुकी है तो हमें यहां पर टीडीएस के प्रोविजन को ध्यान में रखना जरूरी है इस वक्त सेक्शन 51 आपके सामने स्क्रीन पर है सेक्शन 51 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यह बता दूं टीडीएस के प्रोविजन केवल तभी होंगे होंगे जब B2B होगी B2C के के केस में TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो 51 सब 1 है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया इसके अंदर की कैटेगरी बताई गई है जिनके लिए गवर्नमेंट मैंडेटरी कर सकती है कि आपको दो परसेंट टी डिडक्ट करना है और यहां पर TDS डिडक्ट कब करना है जब पेमेंट की जाए या सप्लायर को क्रेडिट किया जाए तो टीडीएस डिडक्ट करना है टीडीएस केवल तभी डिडक्ट होगा जब सिंगल कॉन्ट्रैक्ट टू से ज़्यादा वैल्यू का है इसको मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, के साथ, कि कब कब टीडीएस की अप्लीकेबिलिटी हो सकती है और कब कब टीडीएस की अप्लीकेबिलिटी नहीं हो सकती टीडीएस कब तक डिपॉजिट करना है टीडीएस मंथ एंड के बाद में अगले महीने की दस तारीख तक टीडीएस डिपॉजिट करना है और जीएसटीआर सेवन फाइल करनी है इसके बाद सब 3 के अंदर ये भी बताया गया है कि उस फॉर्म में उस तरीके से जैसा कि प्रेस्क्राइब कर दिया जाए टीडीएस डिडक्शन का सर्टिफिकेट भी इशू करना होगा यदि कोई व्यक्ति टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं करता लेट फीस एप्लीकेबल होगी यदि कोई व्यक्ति टीडीएस डिडक्ट नहीं करता तो रिकवरी के लिए 73, 74, 74 ए के प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएंगे यदि टीडीएस ज्यादा डिडक्ट करके डिपॉजिट कर दिया गया है तो रिफंड के प्रोविजन अप्लीकेबल है परंतु यदि डिडक्टी ने उसको रिसीव कर लिया है एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर रिफंड अलाउड नहीं होगा रूल 66 को भी देख लेते हैं रूल 66 के अंदर यह बताया गया है कि जो व्यक्ति टीडीएस डिडक्ट करेगा उसको जीएसटीआर सेवन फाइल करनी है इलेक्ट्रॉनिकली ये जीएसटीआर सेवन मंथली फाइल होगी टीडीएस डिडक्ट किया गया हो या नहीं किया गया हो जीएसटीआर सेवन फाइल करनी ही है और जिस सर्टिफिकेट की मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था ये जीएसटीआर सेवन ए जब रेसिपियंट फाइल करेगा तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएंगे एक और इंपॉर्टेंट बात टीडीएस डिडक्ट करने के लिए अलग से टीडीएस का नंबर लेना पड़ेगा ये टीडीएस पेन बेस हो सकता है टेन बेस हो सकता है जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है उस पर टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में डिपॉजिट नहीं किया जा सकता है एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं यहां पर लिखा हुआ है वी आर दी टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड टू लैक्स एंड फिफ्टी थाउजेंड रुपीज कहने का मतलब यह हो गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अधीन यदि सप्लाई की वैल्यू दो लाख पचास हजार रुपए से ज्यादा है तो ही टीडीएस डिडक्ट होगा कहने का मतलब यह हुआ यदि एक पर्सन है वो दो दो लाख रुपए के इनवाइस रेज करता है तो रिसिपियंट को इस केस में टीडीएस के डिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है इनवाइस भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है पीओ जो दिया गया वो भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है यदि कोई एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ 20 लाख रुपए का और सप्लायर ने मेटल स्क्रैप की सप्लाई करी एक, एक लाख रुपए पर एनवाइस करके तो यहां पर टीडीएस डिडक्ट होगा क्यों क्योंकि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट दो लाख पचास हजार रुपए से ज्यादा का हो गया एक और एग्जांपल लेते हैं यदि रिसिपियंट ने दो लाख पचास हजार रूपये से ज्यादा की एडवांस पेमेंट कर दी अभी कोई इनवाइस इशू नहीं हुआ है क्योंकि पेमेंट दो लाख पचास हजार रूपए से ज्यादा की है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेमेंट कर दी गई है तो भी टीडीएस की डिडक्शन होगी तो मेरा ये व्यू है यहाँ पर दो लाख पचास हजार रूपए से ऊपर यदि एडवांस पेमेंट भी कर दी गई है तो भी टीडीएस की डिडक्शन आएगी इस वीडियो के एंड में एक और इंपॉर्टेंट बात जब भी टीडीएस का डिडक्शन होगा तो इस बात को ध्यान में रखते हुए होगा के इंटरस्टेट सप्लाई है या इंटरस्टेट सप्लाई है यदि इंटरेस्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी एसजीएसटी के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे उसी के अकॉर्डिंग टीडीएस डिपॉजिट होगा यदि इंटरस्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे और आईजीएसटी के अकॉर्डिंग टीडीएस डिपॉजिट होगा दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज अपना कमेंट करें इस वीडियो को लाइक करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच